सो हाय गाइस, दिस इज सेब यमहा। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो ये टोटल समरी है पेज पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के, इसके अलावा और कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए। तो बेसिकली हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बुक में लिखा हुआ है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, लगभग आप उससे पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे बहुत, ठीक है। मोनोटोनिक 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 मतलब ये होता है मोनोटोनिसिटी कि अगर कोई फंक्शन बढ़ रहा है तो बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा घटता रहेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब इसमें यह जान रखना है कि अगर कंटिन्यूस भी ना हो फंक्शन या डिफरेंशिएबल ना हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर कोई फंक्शन है वो ये है, ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, फंक्शन आया यहाँ पे, ये हुआ और यहाँ से देन, देखो पूरा डिसकंटिन्यूस है फंक्शन, लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग है क्योंकि एक्स की जैसे वैल्यू पड़ रही है वैसे वैसे वाई की भी वैल्यू रही है, दैट्स इट That's it, बस बात खत्म। ये यहां से देखिए ये, ठीक है, कुछ ऐसे आप देख लीजिए, f dash x greater than 0 है तो इंक्रीजिंग, f dash x less than 0 decreasing, बस that's it। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये एडवांस का है, बेसिकली कह सकते हैं बुक में यूज नहीं हुआ है। अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, हम ये कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो रही हो, अब लेते हैं कोई एग्जाम्पल, देखो ये रहा मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, अब इसको देख सकते हैं मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, ठीक है। तो किसी एक फंक्शन पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है किसी एक पॉइंट पे, देख सकते हैं इस पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जीरो पे ब्रेक हो रहा है, तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पता इसके बारे में। तो हम क्या चेक करें कि जीरो से जस्ट पहले क्या फंक्शन था और जीरो जस्ट बाद क्या फंक्शन था। जीरो प्लस पहले के लिए जीरो माइनस एच रखा विच इज नेगेटिव, और जीरो प्लस एच रखा विच इज पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको यही बात याद रखनी है इसमें कि ये मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट है, ये एडवांस का कह सकते हैं, बुक में नहीं है, ना शिवम सर ने कराया, लेकिन शिवम चौधरी सर ने कराया है, हमारे चौधरी सर ने कराया, तो ठीक है। और एक और बार इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो कॉमन मिस्टेक है वो जो हम करते हैं, ये हमने बता दी ये होता है, ठीक है। और ये जो हम करते हैं कॉमन मिस्टेक, ये जो भी पॉइंट क्लियर हो गया आपको ग्राफिक, ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद ये आता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्ट होने से पहले ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे जाइए, एक मिनट, हाँ देखो ये रहा, ये बातें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले की बातें हैं कुछ। इसमें मैंने क्या बोला है, इसमें मैंने ये बोला है कि क्या बोला है, इसमें यहाँ पे मैंने जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वो क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक आप देखिए कि कॉमन मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि फंक्शन जैसे साइन एक्स है, अब साइन एक्स यूँ करके डिक्रीज हो रहा है, हम किसा जो जाहिर से आते चलो बढ़िया बात है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से इस पॉइंट चलेगा इस पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, माना हो रहा है, लेकिन अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं बट, ठीक है, देखिए जैसे कि ये है बट फॉर साइन टू एक्स, सो वी टेक इट, हम कहते हैं कि याद है ये यहाँ से लेके यहाँ नहीं, हम डिक्रीजिंग का जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x। तो जब 2 cos 2x को हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ये बनेगा, देखिए एक मिनट, हाँ कुछ ये ग्राफ बनेगा 2 cos 2x का, ये रहा। तो ये डिक्रीजिंग पार्ट नहीं है भाई, ये ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस है भाई, तो नीचे वाला माइनस रहेगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीजिंग हो ब्रो। सो इंक्रीज डिक्रीजिंग में बस यही याद रखना है और कोई चीज़ नहीं है, और बस ये याद रखना है कि अगर हमसे कह दिया जाए कि मोनोटोनिस, अगर हमसे कह दिया जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग निकालो, भाई कैसे निकालोगे तुम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो सिंपल ये है, ये रहा जैसे ये क्वेश्चन है, ये रहा जैसे हमसे पूछता है कि इस फंक्शन की बताओ, इस फंक्शन के एफ डैश एक्स बराबर, ये रहा क्वेश्चन, बुक में देख लेना आप। तो क्या करेंगे इंक्रीज, तो इसका वेव कर्व डायग्राम बना लेंगे जो कि हम पढ़ने आ रहे हैं, नीले क्वालिटीज, ओके। सो गुड बाय बाय।